शिक्षक एवं शिष्य के संबंधों में आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है। हमें नया दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत जनजातीय संस्कृति को समेटे पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा की छात्रा आद्रिता चक्रवर्ती हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं। आद्रिता कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम आद्रिता चक्रवर्ती है। मैं प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पेपर खत्म होने के आखिरी कुछ मिनटों में मैं घबरा जाती हूँ और मेरा लिखावट भी बिगड़ जाती है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? मुझे इसका समाधान दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू आद्रिता। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय करब कांकेर के छात्र शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफुर रहमान कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफुर रहमान है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया तैफूर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है। वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जय जगन्नाथ। किस तरफ है राजलक्ष्मी? हाँ, जय जगन्नाथ। माय नेम इज राजलक्ष्मी आचार्य। आई एम फ्रॉम ओडिशा आदर्श विद्यालय जोकीदोला बांकी कटक। सर माय क्वेश्चन इज, इट इज इजी टू से यू फेस एग्जाम विथ अ कूल माइंड, बट इन एग्जाम हॉल द सिचुएशन इज सो स्कैरी, लाइक डोंट मूव, लुक स्ट्रेट एंड सो ऑन। देन हाउ कैन इट बी सो कूल? थैंक यू सर। धन्यवाद राजलक्ष्मी। प्रधानमंत्री जी, आद्रिता, तैफुर और राजलक्ष्मी और इनके जैसे अनेक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्करणों में प्राय ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें। कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। मैं समझता हूं इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। माँ बाप से मेरा आग्रह है, जो पेन रोज उपयोग करता है ना वही दीजिए आप। या वहां पेन दिखाने थोड़ा जा रहा है वो, और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं है, आपका बच्चा नया पहन करके आया पुराना पहन के आया। तो ये साइकी उनको बाहर आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है, जिसका वो कंफर्ट नहीं है।
आवश्यकता से अधिक उस दिन खाना, फिर माँ कहे अरे तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तुम रात आते आते 7 बज जाएगा, ऐसा करो कुछ खा के जाओ, फिर कहेगी कुछ लेके जाओ, उसको रजिस्ट करने लगता है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, दरवाजे तक किताब छोड़ते नहीं, दरवाजे तक। अब आप अचानक इस प्रकार से इवन रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं ना, तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री ऐसा होता है क्या? आप 5-10 मिनट पहले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, कहां आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगेज अंदर ले जाऊंगा, फिर कौन सा, यानी मन आपका तुरंत अपने आप को ट्रेन आने से पहले ही सेट करने लग जाता है। वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं, तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए और दोस्ती बगल में तो एक आध चुटकुला सुना दीजिए, हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं है जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे 8-10 मिनट खुद के लिए जिए आप, खुद में खो जाइए, एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। और फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कंफर्ट होंगे, वरना क्या होता है, वो आया कि नहीं, वो देखा कि नहीं, वो कैसा है फला नहीं, टीचर कहां दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है, अरे आपका क्या काम है जी, सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने पर पड़ा है, तेरा क्या लेना देना है जी। हम इन्हीं चीजों में लटके रहते हैं जी, और वही बिना कारण हमारी शक्ति समय वेस्ट करता है। हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए। और जैसा ही क्वेश्चन पेपर आ जाए तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप फर्स्ट बेंच पर आपका नंबर आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर वो पीछे से बांटना शुरू करता है तो आपका दिमाग फड़कता है, देखिए मेरे से तो 5 मिनट पहले उसको मिलेगा, मुझे 5 मिनट बाद में मिलेगा, ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है ना। अब ऐसी चीजों में अपना दिमाग खपाओगे कि पहले क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कि 20 नंबर के बाद मिला, तो आप अपनी एनर्जी, आप परिस्थिति तो पलट नहीं सकते, टीचर ने वहां से कहा कि आप खड़े होकर नहीं कह सकते पहले मेरे से, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपको पता है ऐसा होना, फिर ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। एक बार आप ये अगल बगल की सारी दुनिया, और हम बचपन से पढ़ते तो आए हैं, वो अर्जुन को पक्षी की आंख वाली कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में आता है तो नहीं, पेड़ भी दिखता है, पत्तियां भी दिखती है, तब आपको वो पक्षी की आंख नहीं दिखती है। आप भी मन में ये कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको जीवन में लाने का मौका होता है। तो पहली बात तो ये है कि इन सारी बाह्य चीजों से आप, दूसरा परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता, तो इसका उपाय ये है पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। अब खाना खाते हैं, आप खाने के लिए बैठते हैं, तो घड़ी देख करके थोड़े खाते, भाई 20 मिनट में खाना खाना है,
खाते खाते आदत हो ही जाती है, हाँ भैया इतने में 20 मिनट भी हो गए और खाना भी हो गया। इसके लिए कोई घड़ी और कोई बेल थोड़ा बजता है कि चलो अब खाना शुरू करो, अब खाना बंद करो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस है। दूसरा मैंने देखा है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण ये समस्या, आप मुझे बताइए, आप एग्जाम देने जाते हैं मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं? आप फिजिकली पेन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं, यही करते हैं ना? दिमाग अपना काम करता है लेकिन आप क्या करते हैं? लिखते हैं। आज के युग में आईपैड के कारण, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है। जबकि एग्जाम में लिखना होता है, इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। आजकल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है, और इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कूल के बाद, उसका मिनिमम 50% टाइम, मिनिमम 50% टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे, हो सके तो उस विषय पर लिखेंगे, और 3 बार 4 बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे, तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी। तो कितने पेज पे लिखना, इतना लिखने में कितना समय जाता है, ये आपकी मास्टरी हो जाएगी। कभी कभी मन से विषय आपको लगता है ये तो मुझे आता है, जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा प्रसिद्ध कोई गाना सुन रहे हैं, गाना बज रहा है तो आपको लगता है ये गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक बार गाना बन करके जरा कागज पे लिखो ना, वो गाना आता है क्या? तो पता चलेगा नहीं यार, सुनते समय जो मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे अच्छा लगता था और आता था, हकीकत में मुझे आता नहीं था, मुझे वहां से प्रॉम्प्टिंग होती थी इसलिए मुझे वो लाइन याद आ जाती थी, और उसमें भी परफेक्ट शब्द के संबंध में जब बात आएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरी आज की पीढ़ी के साथियों से बहुत मेरा आग्रह है कि कृपा करके आपकी एग्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना, कितना याद रहा, सही रहा, गलत रहा, सही लिखते हैं गलत, तो वो तो बात का विषय है। आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए। अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो अनकंफर्ट या प्रेशर फील करते हैं वो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप आदी हैं। अगर आपको तैरना आता है तो पानी में जाने से डर नहीं लगता है आपको, क्योंकि आप तैरना जानते हैं। आपने किताबों में तैरना ऐसे होता है और आप सोचते हैं हाँ मैं तो पढ़ा था भाई, हाथ पहले ऐसे करते फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा हाथ, फिर चौथा हाथ, तो फिर आपको लगता है हाँ पहले हाथ पैर पैर दिमाग से खप कर लिया, अंदर जाते ही फिर मुसीबत शुरू हो जाती है। लेकिन जिसने पानी में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, उसको कितना ही गहरा पानी क्यों हो, उसको भरोसा होता है मैं पार कर जाऊंगा। और इसलिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, और लिखना जितना होगा शार्पनेस ज्यादा आएगी, आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी, और अपनी लिखी हुई चीज को 3 बार 4 बार पढ़ के खुद करेक्ट कीजिए। जितना ज्यादा खुद करेक्ट करोगे आपकी उस पर ग्रिप बहुत ज्यादा आएगी, तो आपको अंदर बैठ करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, अगल बगल में वो बड़ी स्पीड से लिख रहा है, मैं तो तीसरे क्वेश्चन पे अड़ा हुआ हूं, वो तो 7वें पर चला गया। दिमाग इसमें मत खपाइए बाबा, वो 7वें पहुंचे 9वें पहुंचे, करे न करे वो पता नहीं, वो सिनेमा की स्टोरी लिखता होगा। तुम अपने पर भरोसा करो, तुम अपने पर भरोसा करो, अगल बगल में कौन क्या करता है छोड़ो। जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका
क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। धन्यवाद।